गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा आज का टॉपिक है डिवीज़न। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिवीज़न का यूज़ हम क्यों करते हैं और डिवीज़न हमारे लिए सीखना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो मान लीजिए हमारे पास कुछ बिस्किट के पैकेट हैं, मान लीजिए आपके पास 8 बिस्किट के पैकेट हैं और आपके पास आपका एक फ्रेंड भी आ जाता है और आपको अपने फ्रेंड को और अपने पास इक्वल पार्ट में बिस्किट के पैकेट को डिवाइड करना है, यानी कि जितने पार्ट आपके पास हो उतने ही बिस्किट के पैकेट आपके फ्रेंड के पास हो, तो आप उसको कैसे करेंगे? सो आप इन ये देखिए, ये 8 बिस्किट के पैकेट हैं और इनको आप अपने में और अपने फ्रेंड में इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? चलिए, पहले आपने ये 8 बिस्किट का पैकेट दिया अपने फ्रेंड को, उसके बाद एक आपने रखा अपने लिए। अब आपके फ्रेंड की बारी, अभी और बिस्किट के पैकेट बचे हुए हैं, तो आपने फिर से एक बिस्किट का और पैकेट लिया और एक दे दिया अपने फ्रेंड को। अब आपकी बारी, तो एक और बिस्किट का पैकेट उठाया और आपने रखा अपने लिए। बिस्किट के पैकेट देखिए और बचे हुए हैं, तो आपने एक और बिस्किट का पैकेट लिया और अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब आपकी बारी, ठीक है, अब आपने एक और बिस्किट का पैकेट उठाया और अपने लिए रख लिया। अभी भी बिस्किट के पैकेट बचे हुए हैं, तो आपने एक और बिस्किट का पैकेट उठाया और अपने फ्रेंड को दे दिया। अब एक और बचा हुआ है और आपने अपने फ्रेंड को देने दे दिया था, अब आपकी बारी है, तो ये आप अपने रखा अपने अपने लिए। तो आपके पास कितने बिस्किट के पैकेट हो गए? 1, 2, 3, 4। और आपके फ्रेंड के पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो इक्वल डिवाइड हो गए ना, आप में और आपके फ्रेंड में, दोनों में इक्वल डिवाइड हो गए। देखिए, है ना, इक्वल 8 बिस्किट के पैकेट को 2 लोगों में, यानी कि 2 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये तो सिर्फ 8 बिस्किट के पैकेट थे, तो आपने इजिली इनको डिवाइड कर दिया काउंट करके। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 60 बिस्किट के पैकेट हैं, ठीक है, बहुत सारे बिस्किट के पैकेट हैं, 60 बिस्किट के पैकेट हैं और आपको उनको 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हर एक को कितने कितने पैकेट मिले हैं? कैसे पता करेंगे? अगर आप ऐसे 1-1 करके काउंट करके देंगे, बहुत देर लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डिवीजन का यूज करते हैं हम। सो देखते हैं कि हम डिवीजन कैसे करते हैं। तो हमें अगर ज्यादा चीज को ज्यादा लोगों में डिवाइड करना होता है, तो हम डिवीजन का यूज करते हैं। और डिवीजन हम कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम 8 को ही लेते हैं। मान लीजिए 8 ही बिस्किट के पैकेट हैं और उनको 2 मेंबर्स में डिवाइड करना है इक्वली, तो आप क्या करेंगे, उस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये देखिए, ये एक हाउस सा बन गया, ये घर सा बन गया, और घर के अंदर आप बेटा उन नंबर्स को या उन चीज़ों को लिखेंगे जिन्हें आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, जैसे कि 8 बिस्किट के पैकेट्स। और बाहर, घर के बाहर, आप उन नंबर को या चीज़ों को रखेंगे जितने लोगों में आपको उसको डिवाइड करना है, जैसे आप और आपका फ्रेंड, 2 लोग हैं ना, आप और आपका फ्रेंड मिलके 2 लोग हो जाते हैं, तो 2 को हम रखेंगे बाहर। अब आपको क्या करना है बेटा, 2 की टेबल रीड करनी है। कहाँ तक रीड करनी है आपको 2 की टेबल? कि जहाँ तक, या तो 2 की टेबल में 8 आए, ठीक है, 8 आता है, और अगर 8 नहीं आता तो 8 से छोटा कोई नंबर आए, ठीक है, 8 से छोटा नंबर आए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, या तो 8 आए या फिर 8 से छोटा नंबर आए। तो आप जब 2 की टेबल रीड करेंगे बेटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया 8। एक मिनट में फिर से लिखती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 4 पे आता है बेटा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा होता है 8, तो 8 आता है यानी कि 2 की टेबल में, और कहाँ पे आता है? 4 तक काउंट करने के बाद, 4 तक 2 की टेबल रीड करने के बाद हमारे पास आता है 8। तो ये जो 4 है बेटा, ये आप लिखेंगे ऊपर यहाँ पे, 2 4 और 8 आ गया, तो 8 आप यहाँ पे लिखेंगे इस वाले 8 के नीचे। और अब आप इसको कर देंगे माइनस, ठीक है, आप माइनस करके क्या आएगा, 8 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, या फिर आप ऐसे क्रॉस का निशान भी लगा सकते हो, 0 या फिर क्रॉस का निशान। इस तरीके से हम करते हैं बेटा डिवाइड। अब जैसे कि ये 1 डिजिट थी ना, ये 1 डिजिट थी, अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 12 चीज़ों को डिवाइड करना है बेटा टू पार्ट्स में या दो लोगों में, ठीक है। आपको दो लोगों में डिवाइड करना है, कितने बिस्किट के पैकेट को, 12 बिस्किट के पैकेट को। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्म में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बेटा आप लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट लेंगे, जो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट डिजिट होगी आप उसे लेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, 1। अब देखिए 1 2 से छोटा है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, 1 जो है वो 2 से छोटा है, ये वाला जो 2 है इससे छोटा है, तो ये अब डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करेंगे, 1 की हेल्प के लिए इस वाले 2 को भी बुला लेंगे, तो अब ये 1 और 2 मिलके कितना बन गए, 12 बन गए। अब 12 तो 2 से बड़ा होता है, ठीक है, तो ये अब इससे डिवाइड हो जाएगा। अब फिर जैसे हमने पहले किया था सेम आप वैसे ही करेंगे। अब आप 2 की टेबल बेटा रीड करेंगे वहाँ तक जहाँ तक या तो 2 की टेबल में 12 आए, ठीक है, या तो 12 आए, या अगर 12 नहीं है 2 की टेबल में तो 12 से छोटा नंबर आए, 12 से एग्जैक्ट जो पीछे वाला नंबर है वो आए। कौन सा है, जैसे 2 की टेबल हम रीड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो 2 की टेबल में तो 12 आता है ना, ये आ गया 12। तो अब आप 2 की टेबल में 12 कहाँ तक आता है, 6 पर आता है, ठीक है। जब हम 2 की टेबल 6 तक रीड करते हैं तब हमारे पास आता है 12। तो इस 6 को बेटा आप लिखेंगे ऊपर और इस 12 को आप लिखेंगे इस वाले 12 के नीचे, और फिर इनको कर देंगे माइनस। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0 0, और जैसे कि मैंने बताया आप 0 के जगह बेटा क्रॉस का साइन भी लगा सकते हो। तो यानी कि अगर आप 12 बिस्किट के पैकेट को 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो एक को कितना मिलेगा, जैसे अगर आपने 12 बिस्किट के पैकेट को आपने आपके दो फ्रेंड्स या आप अपने में और अपने एक फ्रेंड में डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये एक आप है, ये आपका एक फ्रेंड है, तो बेटा इसको भी 6 मिलेंगे और इसको भी 6 मिलेंगे, यानी कि दोनों को 6 6 बिस्किट के पैकेट मिलेंगे। ओके, अब इसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चन है, इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है, ध्यान से आराम से कीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में 10 को 2 से डिवाइड करना है। तो पहले आप फर्स्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट लेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि 2 से छोटी है या 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है। अगर वो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 2 से छोटी है, ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, अगर अंदर वाली फर्स्ट डिजिट बाहर वाली डिजिट से या नंबर के बराबर है या उससे बड़ी है तो ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर उससे छोटी है तो डिवाइड नहीं होगा, और आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके जो बगल में जो डिजिट है ना उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यानी कि आपने 1 देखा, 1 छोटा है ना 2 से, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपने 0 को भी बुला लिया। अब 0 1 और 0 मिलके बन गए 10। अब 10 2 से बड़ा होता है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तब आप 2 की टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 10 तक रीड करेंगे। अगर 2 की टेबल में 10 आता है तो आप वहाँ उसको 10 से करेंगे, 10 लिखेंगे। अगर 10 नहीं आता है 2 की टेबल में तो 10 से जो छोटा नंबर आता है उसको आप लिखेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन है बेटा, इनको आप ट्राई करेंगे। ओके, गुड लक।